हेलो स्टूडेंट्स, आज हम HTML में और अलग तरह के टैग्स करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कमेंट टैग। अब कमेंट टैग क्या होता है? द कमेंट टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट कमेंट इन द सोर्स कोड। कमेंट टैग में क्या करते हैं, हम कमेंट्स डालते हैं। जैसे सोर्स को हमने कोई भी सोर्स कोड बनाया, जैसे HTML, जैसे सपोज मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, हेड, ठीक है। अब सपोज बॉडी में मैं कोई कमेंट डालना चाहती हूँ, एबीसी लिख दिया। यहाँ पे मैंने कमेंट टैग का मतलब क्या होता है, और ब्राउजर इसको क्या करेगा, इग्नोर करेगा। ये सिर्फ यूजर की रीडेबिलिटी के लिए हम कमेंट्स डालते हैं, ताकि ये चीज हमें पता चल सके। जैसे कमेंट टैग हम कैसे करते हैं, एक्सप्लेनेटरी साइन, ठीक है, कोई टेक्स्ट, दिस इज द टेक्स्ट। ये हो गया कमेंट टैग का सिंटेक्स। कैसे करना है, टैग में एक्सप्लेनेटरी साइन, और आप कोई भी कमेंट लिख सकते हो, और बंद, ठीक है। इसके अंदर, इस टैग के अंदर कुछ भी लिखा होगा वो प्रिंट नहीं होगा आपके ब्राउजर विंडो पे। ब्राउजर क्या करेगा, इसको इग्नोर करेगा, और जब हम इसको बंद कर देंगे तो इसकी आउटपुट हमारे पास देखिए क्या आएगी। इसकी आउटपुट सिंपल हमारे पास आएगी ABC। ये चीज हमारे पास लिखी नहीं होगी, बिकॉज दिस इज ओनली अ कमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग, इसका सिंटेक्स क्या होता है, P, ठीक है। ये बंद भी होता है और ये क्लोज भी होता है। पैराग्राफ, जब हम, अगर हमने कोई पैराग्राफ लिखना हो, मतलब पैराग्राफ मतलब हमने नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ वर्ड्स वगैरह कुछ भी लिखना हो, ठीक है। इससे कैसे स्टार्ट करेंगे, सपोज HTML, ठीक है, और नेक्स्ट टाइटल दे दो, पैराग्राफ, पैराग्राफ टाइटल, हेड सेक्शन, हेड में हमेशा हम, ठीक है, टाइटल बंद, हेड भी बंद, ठीक है। अब बॉडी में आपको अगर पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, पैर पी ओपन, आप साथ में इसको जैसे अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट, अलाइन लेफ्ट, आपने पी टैग के अंदर अलाइनमेंट भी दी है, मतलब आप जो भी स्टार्ट करोगे वो लेफ्ट लाइन, अलाइनमेंट क्या होगी, वो लेफ्ट एट द विंडो के लेफ्ट साइड से प्रिंट होना शुरू होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ABC, कुछ भी, 1 2 3 4 5, कुछ भी लिख रही हूँ। ये मैंने एक लाइन लिखी, साथ में मैंने डाल दिया यहाँ पे BR टैग। BR टैग मतलब ब्रेक टैग, ठीक है। ये सिर्फ ओपन हो सकता है, इसको हम खोल नहीं सकते, मतलब इसको बंद नहीं होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपने कुछ लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, साथ में आपने ये यूज कर लिया, मतलब आपने इसको जस्टिफाई भी करना है और इसकी अलाइनमेंट्स भी करनी है, और आपने यहाँ पे फुल स्टॉप डाला, देन यू हैव टू क्लोज दिस टैग। मैंने इस टैग को बंद कर दिया, ठीक है, इस पैराग्राफ को मैंने बंद कर दिया। मैंने नेक्स्ट स्टार्ट किया पी अलाइन इक्वल्स टू राइट, ठीक है। मैंने फिर कुछ लिखा और इसको बंद कर दिया। अब इसकी आउटपुट क्या होगी, देखिए अब इसकी आउटपुट कैसे होगी, इसकी आउटपुट कैसे आएगी, जैसे देखो ABC, ये बिल्कुल लेफ्ट पे आएगा, ये जो आउटपुट है बिल्कुल लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन होगी, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद मैंने BR टैग लगाया, ये जो ABC है नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट हो जाएगा। इसकी भी अलाइनमेंट क्या है, इसकी भी अलाइनमेंट क्या है, लेफ्ट। नेक्स्ट जो पैराग्राफ होगा वो, इसके बाद मैंने ये पैराग्राफ देखो बंद कर दिया था, अब जो नेक्स्ट आउटपुट होगी वो इसकी अलाइनमेंट जो है वो राइट होगी, तो जो भी चीजें होंगी वो राइट ऑफ द स्क्रीन पे शो हो जाएंगी, ठीक है, ओके। इसको सेव करिए, और जो आपकी आउटपुट है वो, जो जो आप अलाइनमेंट्स दोगे, जैसे जैसे आप अलाइनमेंट्स दिखाओगे वैसे वैसे आपके आउटपुट मिलेगी। जैसे यहाँ पे देखिए ये एक पैराग्राफ है, ठीक है, पी है, पैराग्राफ स्टार्ट किया है, अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट, मैंने क्या अलाइनमेंट दिया है, लेफ्ट, मैंने कुछ लिखा और इसको मैंने बंद कर दिया। फिर नेक्स्ट उसने पैराग्राफ स्टार्ट किया है जिसकी अलाइनमेंट की उसने राइट पे। दिस टैग इज यूज टू डिफाइन अ पैराग्राफ, दिस यूज टू इज यूज टू डिफाइन अ पैराग्राफ, द पैराग्राफ कैन बी अलाइन टू द लेफ्ट, ठीक है।
और इसको मैंने कर दिया है बंद, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लाइन दी है सेंटर, उसके बाद मैंने कुछ लिखा, फिर मैंने पैराग्राफ कर दिया बंद। अब इसके आउटपुट देखो, पहले मैंने अलाइनमेंट दी लेफ्ट पैराग्राफ, ठीक है। मोर देन अगर मुझे वन लाइन लिखनी है तो आई हैव टू यूज पैराग्राफ, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अलाइनमेंट दी थी राइट की, तो देखो ये राइट से स्टार्ट हुआ है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द राइट। नेक्स्ट सेंटर से स्टार्ट हुआ है, नेक्स्ट जो लाइन है वो देखो यहाँ पे सेंटर से स्टार्ट हुई हुई है, इज दैट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है वो यहाँ पे सेंटर से स्टार्ट हुई हुई है। इस तरह से आप इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसके बाद आते हैं हॉरिजॉन्टल रूल्स, मतलब अगर मुझे लाइंस लगानी है, लाइंस मतलब जैसे इन पैराग्राफ, जैसे ये पैराग्राफ्स लिखे हैं मैंने, जैसे ये पैराग्राफ्स लिखे हैं, मुझे इस तरह की लाइंस चाहिए। कैसी लाइंस चाहिए, जैसे ये देखो, ये देखो ये लाइंस है, इनके ये पैराग्राफ्स लिखे हैं, यहाँ पे मेरे को लाइंस लगानी है, इस तरह की जो लाइंस आ रही हैं। अब वो लाइन किस टैग से आएगी, एच आर हॉरिजॉन्टल टैग से। कैसे आएगी, हॉरिजॉन्टल टैग से। अब यहाँ पे देखो